हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुख विद सौम्या में। आज हम बनाएंगे रसमलाई मोदक, जो कि गणपति पापा को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रसमलाई मोदक बनाना। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही टेस्टी और ईजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोदक बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है वाइट कंपाउंड चॉकलेट। इसे हमने इस तरीके से ना बारीक टुकड़ों में कट कर लिया, और ये तकरीबन 100 ग्राम तक की कंपाउंड चॉकलेट है। अब हम इसे डबल बॉयलर की हेल्प से ना मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन में गर्म पानी ले लिया है, और इसके ऊपर रखेंगे हम एक बोल। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये जो बोल है ना, ये गर्म पानी को टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जैसे जैसे आपकी चॉकलेट मेल्ट होगी ना तो नीचे से वो सूखती जाएगी। अब इस तरीके से चॉकलेट डालकर आप इसे चलाते हुए मेल्ट करिए। आप ऐसे थोड़ा थोड़ा पेशेंस के साथ में इसे चलाते हुए करोगे तो ये अच्छी तरीके से 5 मिनट्स में मेल्ट हो जाती है। और आप देख रहे हो इसके अंदर अभी बिल्कुल भी लम्स नहीं है, और ये अच्छी तरीके से पिघल चुकी है। अब हम इसे पैन पर से उतार लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने येलो फूड कलर लिया हुआ है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सूखे गुलाब, अगर आपके फ्रेश गुलाब हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे पिस्ता बारीक कटे हुए, और अब हम इसमें डालेंगे रसमलाई एसेंस, क्योंकि हम यहाँ पर रसमलाई फ्लेवर्ड मोदक बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रसमलाई फ्लेवर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट हमें एक बूंद इसमें ऐड करना है। और इसमें डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरीके से इस पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। अब हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चॉकलेट में मिक्स हो चुकी है। अब हम ये लेंगे मोल्ड, ये हमने मोदक के शेप के मोल्ड लिए हुए हैं, ये सिलिकॉन मोल्ड है। अब इस तरीके से हम इसके अंदर ना थोड़े बारीक कटे हुए पिस्ता डालेंगे, और साथ ही हम इसमें डालेंगे ड्राई रोज़ पेटल्स। यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेश हो, जैसे हमने पहले कहा है, वैसे ही आप फ्रेश भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो हमने ये चॉकलेट रेडी करी थी ना रसमलाई फ्लेवर की, वो हम इस मोल्ड में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्पून की हेल्प से चॉकलेट्स डाली है। यहाँ पर आप पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट पाइपिंग बैग में ये डालिए और सारे जो मोल्ड्स है उसको फिल करते जाइए। जैसे ये सारी चॉकलेट सारे मोल्ड्स में डाल दो ना, तो उसके बाद में हम इसे टैप कर देंगे, जिससे कि जो चॉकलेट में थोड़ी बहुत अगर अंदर की तरफ नहीं गई हो ना, तो ये अच्छी तरीके से अंदर की तरफ चले जाए और इसमें कोई बबल्स ना हो, तो आपकी जो चॉकलेट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जमेगी। अब ये पूरा डालने के बाद में हम इसे 10 मिनट्स तक फ्रीज़र में रखेंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे इसे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो फिर इसके ऊपर पूरा पानी की एक लेयर आ जाती है। इसलिए हमें 10, कोई कभी भी आप चॉकलेट बना रहे हो ना, तो उसे 10 मिनट से ज़्यादा आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी जो चॉकलेट है ना वो अच्छी तरीके से जम चुकी है। अब हम इस मोदक को अनमोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से ना आप नीचे से आप अगर प्रेस करोगे ना, तो ऊपर से जो मोदक है वो इस तरीके से निकल के आ जाएंगे, और इसे आप सावधानी से अनमोल्ड कर लीजिए। तो आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा बना है हमारा मोदक का शेप। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ना हम सारे मोदक को अनमोल्ड कर लेंगे। और ये मोदक के शेप आए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे आए हैं। अगर इसके अंदर आपको लग रहा हो ना थोड़ा और येलो कलर चाहिए, तो आप जो फूड कलर है ना थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो इसमें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रसमलाई फ्लेवर्ड मोदक रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ इस गणपति में आप भी इस तरह के मोदक अपने घर में बनाइए और गणेश जी को चढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।